हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बताया गया है कि एक काइट है जो उड़ रही है, कितनी हाइट पर? 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। तो अब हम अज्यूम कर लीजिए एक लड़का है, जैसे एक लड़का बना हुआ है, ठीक। अभी लड़का क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग ये रहा हमारा, जी पतंग हमारा क्या कर रही है? उड़ रही है, ठीक ना। और ये ग्राउंड से कितनी दूरी पे है? 60 मीटर पे। तो 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है। इतना क्लियर। अभी लड़का क्या करता है? इस रस्सी को लेता है और इसे जमीन पर टाई कर देता है, जमीन पे बांध देता है टेम्परेली, ठीक ना। ये करता है, उसके बाद बता रहे जो इंक्लाइनेशन बनता है स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड, वो कितना बनता है? 60। तो मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। हमें बताना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक। और एज्यूम करना है कि इसमें कोई गांठें नहीं पड़ी हुई है, मतलब गांठ पड़ने पर उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी गांठ नहीं है। तो हमें बस इसकी क्या निकालनी? लेंथ निकालनी। इसे हम क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी? एक्स होगी, ठीक। अब इसे हम अटैच करते हैं यहां से यहां। तो अगर देखा जाए तो ये आपको ट्रायंगल का फॉर्म मिल रहा है, ठीक। कितनी है यहाँ पे? परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया, और थीटा के सामने हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप सोच देखिए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? तो आप सोचेंगे तो आपको याद आएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक। अब थीटा हमारा यहाँ कितना दिया है? 60। तो थीटा की जगह 60 लिखेंगे तो आएगा साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखा जाए तो कितना हमारा? 60 है, ठीक। अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने क्या लिया था? इसे एक्स लिया, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। इतना क्लियर। अब साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू हमारी होती क्या है? तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी रूट 3/2 होती है। इतना क्लियर। अब देखिए, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे, और इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा कुछ फॉर्म ऐसा मिलेगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा? 120। और रूट 3 नीचे जाएगा, नीचे रूट 3 आ गया इक्वल टू एक्स, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब ये कम्प्लीट नहीं हुआ क्योंकि नीचे रूट 3 है और हमें पता है कि अपॉन में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ दिया है रूट 3, तो रूट 3 से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आएगा? 120 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन में रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इक्वल टू एक्स। अब देखिए ऐसे रहेगा, 120 रूट 3 अपॉन में क्या? रूट 3 रूट 3 क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 सिखाने कितना आएगा? 3 4 12 40 इक्वल टू एक्स। तो हम कह सकते 40 रूट 3 ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 40 रूट 3 आ जाएगी। और यहाँ से ये हमारी स्ट्रिंग की क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। और ये हमारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहेगा। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।